क्या आपको पता है हमारे पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा भी प्लैनेट है जहाँ पर हीरे की बारिश होती है? और क्या आपको पता है एक इंसान ने अटलांटिक ओशन में डूबने के बाद भी 3 दिनों तक जिंदा कैसे रहा? और क्या आपको पता है हमारे धरती में एक ऐसे भी मछली है जो 5 साल तक बिना खाए पिए और बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है? तो ऐसे ही कुछ सामाजिक फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है फैक्ट्स फैक्ट्री में। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जर्मनी दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ के लोग फ्रॉग्स को सड़क पार कराने में मदद करते हैं? सड़क पार करते टाइम उनको नुकसान से बचने के लिए कई संगठन ने रोडवेज के साथ मिलकर 800 से अधिक बाड़ लगाए हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है मॉस्को में एक सिनेमा घर है जिसे आईकिया सिनेमा हॉल कहा जाता है? अगर आप इसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाओगे आपको लगेगा कि आप जैसे किसी के बेडरूम में आ गए हो। इसी हॉल में बहुत सारे बेड्स लगा हुआ है जिन पर आप लेट कर फिल्म देख सकते हो। यहाँ पर आपको स्लीपर कंबल और टेबल कैंडल जैसी चीजें मिलेगी जो आपको ऐसा फील देगा कि आपको लगेगा आप आपकी बेड में ही इस फिल्म को देख रहे हो। फैक्ट नंबर 8, आप जो इस इमेज को देख रहे हो ये इमेज आपको इंसान की स्कॉल के जैसा देख रहा होगा, लेकिन असल में ये एक फूल है जिसे स्नैप ड्रैगन कहते हैं। यदि आप इस फूल की पंखों को निचोड़ते हो तो ये आपको किसी ड्रैगन के मुंह खुलने और बंद करने जैसा दिखाई देगा, इसलिए इस फूल का नाम है स्नैप ड्रैगन। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने की रिकॉर्ड रूस की एक महिला के नाम है? 1725 और 1765 के आसपास रूस की एक महिला ने 69 बच्चों को जन्म दिया था। उन्होंने 16 जोड़े ट्विंस ट्रिपलेट्स के 7 सेट क्वाड्रपलेट्स के 4 सेट मिलाकर कुल 69 बच्चों को जन्म दिया था और इस महिला की पति का नाम फीडर वासिल जेव है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है काइबुकिया टेबल नामक एक रेस्टोरेंट जापान की टोक्यो में स्थित है? इस रेस्टोरेंट में दूर दूर से लोग वेटर्स को देखने के लिए आते हैं क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना परोसने का काम बंदरों द्वारा किया जाता है। इस रेस्टोरेंट के मालिक ने बंदरों को इसी कदर तय किया है कि वो आपको आपके ऑर्डर के अनुसार ही खाना ला कर देते हैं, साथ ही हाथ साफ करने के लिए भी तौलिया ला कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5, जब हम पूरी दुख में रहते हो हमारे आंखों से तो आंसू निकलता है, यह तो कॉमन बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब हम ज्यादा खुशी भी होते हैं तब हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला हाइपोथैलेमस बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख के जो सिग्नल होते हैं उनमें से डिफरेंस पता नहीं कर पाता है और दोनों को एक ही तरह से समझने लगता है और एक ही तरह से रिएक्ट करता है, इसलिए हम जब ज्यादा खुशी होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू भी निकलता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है लॉन्ग फिश मछली की एक ऐसा प्रजाति है जो कि बिना खाए पिए और बिना पानी के भी 5 साल तक जिंदा रह सकता है? अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मछली सूखा पड़ने पर खुद को जमीन में दफन कर लेती है। सूखे मौसम के दौरान जब यह जमीन के अंदर होती है ये मछली अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को 60 गुना तक कम कर लेती है। फैक्ट नंबर 3, कि आपको पता है पूरे यूनिवर्स में नेपच्यून एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसके एटमॉस्फेयर में कंडेंस्ड कार्बन होने के कारण वहाँ हीरे की बारिश होती है? हालांकि अगर इंसान को भी इस प्लैनेट पर पहुंच भी जाए इन डायमंड्स को वो वाटर नहीं पाएगा क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण वो वहीं जम जाएगा। नेपच्यून का टेम्परेचर हमेशा ही -214 डिग्री के आसपास ही रहता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है साल 2013 में हैरिसन ओकेन नामक एक शख्स ने अटलांटिक ओशन में डूबने के बाद भी 3 दिनों तक जिंदा था? असल में हुआ ये था कि हैरिसन ने जिस जहाज पर सवार थे वो जहाज समंदर में डूब गया और हैरिसन जहाज के अंदर 3 दिनों तक थे। 3 दिन के बाद एक रेस्क्यू टीम ने हैरिसन को उद्धार किया। जब यह जहाज डूबा था उसमें हैरिसन के साथ और भी 11 लोग थे, सिर्फ हैरिसन को छोड़कर बाकी 11 लोग मर गए। सच में हैरिसन बहुत ही लकी है। फैक्ट नंबर 1, अगर मैं आपको पूछूं आईबी का मतलब क्या है शायद आपका आंसर इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा। यह जवाब तो सही है, लेकिन क्या आपको पता है ओडिशा के झारसुगड़ा में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम भी आईबी है? इस स्टेशन के नाम को इंडिया का शॉर्टेस्ट नेम ऑफ रेलवे स्टेशन की दर्जा भी मिला है और इसके बाद इंडिया में और एक रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम ओडी है और यह गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल के ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।